लेकिन नाजरीन आज हम बनाने जा रहे हैं भावनगरी गाठिया। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप तेल लिया है, कोई भी रिफाइंड ऑयल ले लें आप, और आधा कप पानी डाल देंगे इस तेल में, नॉर्मल पानी है। इसमें डालेंगे हम हाफ टी स्पून पापड़ खार होता है ये, इसे पापड़ खार कहते हैं, ये डाल देंगे। और इसमें डालेंगे हम स्वाद के हिसाब से नमक, साथ में डालेंगे हाफ टी स्पून अजवाइन, और इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मिक्स होके कुछ इस तरह हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, दो पिंच। अब इसमें एक कप बेसन डाल देंगे, ये हमारा घर का पिसा हुआ बेसन है, इसे मिक्स करेंगे। तो ये बेसन ऐसा हो चुका है, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी हाफ टी स्पून, ये टेस्ट अच्छा देती है। इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा टाइट है चलाने में। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, ऐसे ही ढक देती हूँ। अब मैं इसे एक थैली में भर लेती हूँ, इसमें डाला मैंने पाइपिंग, इस तरह का नोजल डाला है, मैंने इसमें डाल लिया है सभी। तेल गरम होने के लिए रखा और अब हम बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए अब हमने इस गैस की फ्लेम मीडियम रखी है, हमें इसे अभी नहीं पलटना, थोड़ी देर बाद पलटेंगे हम, और पलटने में ये टूट जाएंगे तो तभी बहुत अच्छे बनेंगे ये, क्योंकि वैसे भी गाठिया छोटे छोटे ही आते हैं। ये इस तरह हम इसको पलट लेते हैं, तो ऐसे आप बड़े आसानी से घर में बना लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया फूल रहे हैं। ये सिर्फ मैंने नमक के साथ बनाए हैं, आप चाहें तो इसमें काली मिर्च मिला के बनाएं, वो भी अच्छे लगते हैं। उलट पुलट करके इसको हम ऐसे कर लेंगे, बस इसमें पापड़ खार बहुत ज़रूरी है। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी, जैसे ही झाग कम हो जाए तो इन्हें निकाल लें, फिर बाकी का बना लेते हैं हम। ये हमारे गाठिये बनकर के तैयार है, और मैंने इसके साथ मिर्च फ्राई की है, इसके साथ बहुत मज़े की लगती है। तो आप भी बनाएं, ज़रूर बनाएं, इसी तरीके से बनाएं। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।